नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक हेयर ऑयल बताऊंगी। ये हेयर ऑयल आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत हेल्प करता है। एंड दिस इज़ द हेयर ऑयल। ये हेयर ऑयल में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी औषधियां हैं, वो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है। और इस हेयर ऑयल को लगाने के बाद आपकी हेयर 5 times तक आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। एंड ये एक बहुत मिरेकल हेयर ऑयल है और इसमें एक एक इंग्रेडिएंट्स इसका हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। इवन आपके रूट से भी बाल उगना शुरू हो जाएंगे। जो पोर्स बंद हो जाने के कारण जो बाल हमारे नहीं उग पाते हैं, वो भी इस पोर्स को ओपन करता है और ये हेयर स्कैल्प को भी बूस्ट करता है, जिससे बेबी हेयर्स भी होते हैं बहुत सारे और हेयर ग्रोथ आपकी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो इस हेयर ऑयल को आप ज़रूर बनाइए, ज़रूर यूज़ करिए और डेफिनेटली आप कुछ ही वीक्स में इसका विजिबल रिजल्ट देख पाएंगे और आप देख पाएंगे आपके बाल, किसी के अगर ग्रोथ नहीं हो रहे हैं हेयर तो वो भी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, किसी का अगर ग्रोथ होता है तो वो बहुत फास्ट कर देगा। तो इसीलिए ही मैं इसको हेयर बूस्ट हेयर ऑयल बोलती हूँ और ये एक्चुअली में आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर देता है। सो चलिए हम बनाना देख लेते हैं। सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। तो ये पहला इंग्रेडिएंट है हमारा हिबिस्कस फ्लावर, जिसको गुड़हल के फूल भी कहते हैं, आप 4-5 ले लीजिए। दूसरा है काली मिर्च, ब्लैक पेपर, आप 8-10 काली मिर्च ले लीजिए। तीसरा है दालचीनी, दालचीनी का स्टिक भी आप 1-2 ले लीजिए। और फिर हम लौंग लेंगे, लौंग भी आप 3 या 4 ले लीजिए। फिर हम मेथी दाना लेंगे, फेनुग्रीक सीड जिसको कहते हैं, हम वो ले लेंगे कम से कम 1 चम्मच। और उतना ही 1 चम्मच हम कलौंजी ले लेंगे, जिसको ओनियन सीड्स भी कहते हैं, ये भी हमारे हेयर ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम करी लीव्स ले लेंगे, करी का पत्ता, ये हमारे हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है और हमारे हेयर के को डिटॉक्स भी करता है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म करेगा। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले लीजिए और चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में कोकोनट ऑयल ले लेंगे 50 ml, और हम गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम पे हम हीट करेंगे। हाई फ्लेम पे हीट नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे हम हीट करेंगे कोकोनट ऑयल को। और जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें सारे अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले हम सॉलिड इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले हम दालचीनी डाल देंगे, फिर हम लौंग डालेंगे, फिर हम काली मिर्च डाल देंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए हीट होने देंगे। ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमारे हेयर के पोर्स को ओपन करता है और हेयर ग्रोथ को भी काफ़ी प्रमोट करता है। देन हम इसमें ओनियन सीड और फेनुग्रीक सीड डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको बॉयल होने देंगे। अभी हम फ्लावर और लीव्स नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम उसको लास्ट में डालेंगे, उसको थोड़ा ही आपको पकाना है। सबसे पहले हम अपने सॉलिड प्रोडक्ट्स को पका लेते हैं। तो हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, कम से कम आप 2-3 मिनट के लिए पकाइएगा तो इस तरह इसमें उबाल आने लगेगा। फिर हम इसमें अपना गुड़हल का फूल और करी पत्ता हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हीट होने देंगे। मैं 100 ml कोकोनट ऑयल बना रही हूँ, तो 50 ml कोकोनट ऑयल मैंने पहले ही डाल दिया था और 50 ml हम बाद में डालेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ज़्यादा हीट होने के कारण न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाती है, तो न्यूट्रिशन ख़त्म ना हो और हीट बैलेंस रहे, इसलिए हम 50 ml कोकोनट ऑयल हम बाद में डालेंगे। तो आप जिस भी क्वांटिटी में बना रहे हैं, हाफ ऑयल में आप इस सारे को बॉयल कर लीजिए अच्छे से, और फिर जब आपको लगे कि काफ़ी गर्म होने लगा है तो आप बाद में हाफ ऑयल इसमें डाल दीजिए। और अब हम 1-2 मिनट के लिए और बॉयल होने देंगे, वो भी मीडियम फ्लेम पे, एकदम मीडियम फ्लेम होना चाहिए, हाई नहीं करना है, नहीं तो जल जाते हैं हमारे तेल। तो जलाना नहीं है हमें, बस इसका गुडनेस इसमें प्रोवाइड करना है। और हम 1-2 मिनट के लिए इसको हीट होने देंगे और हम इसको दबा दबा के लीव्स को हम इससे गुडनेस ऑयल में ट्रांसफ़र करेंगे।
एक से दो मिनट पकाने के बाद हम इसका गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और 10-15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। 10-15 मिनट के बाद ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो हम इसको किसी भी ग्लास के कंटेनर में निकाल लेंगे। आप कोशिश करें कि ग्लास का ही कंटेनर हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये मेरा ऑयल का ही कंटेनर है, तो मैं इसमें अपना ऑयल जो हमने बनाया है ऑयल मिक्सचर, वो हम इसको निकाल लेंगे इसमें, और सारा हम इसमें पोर कर देंगे। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है उसको हम फेंकेंगे नहीं। और आप देख सकते हैं ऑयल का कलर काफ़ी चेंज हो गया है, बट अभी भी सारा गुडनेस नहीं आया है क्योंकि हमने बहुत हीट नहीं किया था। बहुत हीट करने से कोकोनट ऑयल का ही न्यूट्रिशन चला जाता है। तो हम अपना ये जो भी एक्स्ट्रा बच गया है हम इसको भी अपने ऑयल के डब्बे में ही डाल लेंगे, हम इसको फेंकेंगे नहीं। और इसको हम धूप में कुछ दिन और हम इसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद आप चाहें तो फिल्टर कर सकते हैं। तो ये मेरा ऑयल मैंने सारा रख लिया है और अब इसको हम धूप में रख देंगे, और कम से कम 1-2 दिन के लिए आप रखिए। उसके बाद आप इसको फिल्टर करके लगा सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली ही, क्योंकि सारा नीचे बैठ जाएगा, और आप डायरेक्टली ही इसको इस तरह भी लगा सकते हैं। डेफिनेटली आप इसको बनाइए चाय, आई एम श्योर आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट होगी, क्योंकि इसमें इतने सारे अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो कि हेयर ग्रोथ को, किसी भी तरह का हेयर ग्रोथ है जो रुक गया है उसको ये प्रमोट करेगा ही करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर, सी यू, बाय।